टैलेंट है कि वो मुझे एक फिल्म दे तो फिर मैं फिल्में बनाऊंगा, क्योंकि मेरा बेसिक एम वही है। आप अपने गानों से क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं? मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि हम हिंदुस्तानी लोग जो हैं वो बहुत ही इमोशनल किस्म के लोग हैं। आप किसी को डांट लो तो उसको मन में लगता है कि यार इसने मुझे कुछ कह दिया। शायद ये हम लोग जो लोग हैं बहुत ही इमोशनल टाइप के लोग हैं, क्योंकि हमको हम चीज़ों को दिल में बहुत ले लेते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि गानों में भी मैं लोगों के दिल को छू लूँ, चाहे रोमांस के साथ हो या फैमिली इमोशंस के साथ हो। ऑलवेज ट्राई टू मेक पीपल गेट इमोशनली चार्ज्ड। कुणाल, आपके अपने गानों में से सबसे फेवरेट आपका कौन सा है? ये मुश्किल सवाल है, क्योंकि मुझे काफ़ी गाने मुझे अच्छे लगते हैं। छुई में मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुड़ी जज गई मुझे अच्छा लगता है, अलीशा का एक गाना किया था तू जो मिला, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उसमें अलीशा का जो इमेज था वो मैंने पूरा चेंज करके रखा था उस गाने में, बड़ा ही प्यारा सा गाना था। सुखबीर का गाना खैर अब रेडी तो नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। फिर लौंगावाचा बहुत प्यारा लगा मेरे को। फिर एक और गाना था जो ज़्यादा चला नहीं टीवी पर, लेकिन वो भी बहुत प्यारा सा गाना था, तेरे बिन जीना नहीं, जिसमें अनुपमा वर्मा और विक्रम सलूजा को यूज़ किया था मैंने, वो भी बहुत अच्छा निकला। और शामक डावर का गाना भी अच्छा शूट हुआ था। वैसे ये 7-8 गाने हैं जो मुझे बेहद पसंद है, किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल है, लेकिन छुईमुई मेरे दिल के थोड़ा करीब है, छुईमुई और कुड़ी जज के। इंडी पॉप और वेस्टर्न पॉप, ये दोनों एक दूसरे के कितने करीब? इंडी पॉप और वेस्टर्न पॉप जितने एक दूसरे के पास हों उतनी ख़राब बात है। इंडी पॉप और वेस्टर्न पॉप जितने एक दूसरे से अलग हों उतना बेटर रहेगा, क्योंकि हम वेस्ट से बिल्कुल ही अलग किस्म के लोग हैं। उनके जो टेस्ट हैं, जो पसंद है, वो हमसे बिल्कुल मिलते जुलते हैं। हमारा गाना जो है, हमारा संगीत जो है, बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है, या मिलना जुलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना रिच हेरिटेज है, हम इतने अच्छे साउंडिंग साउंड्स हैं कि वी डोंट नीड टू गो टू द वेस्ट फॉर इंस्पिरेशन।